जिलाधिकारी चमोली क्या बोलते हैं? मैंने कहा नमस्कार सर, ऐसा ऐसा ये मसला है। हाँ बताइए। तो मैंने कहा ये ऐसा मसला है जिसमें मैं ये चीज़ें करना चाह रहा हूँ, जैसे अभी आपको मैंने बताया। कहते देखिए कोई लीडर आता है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। आप ये जरा गौर से सुनिए और ये जरूर हाईलाइट कीजिए, नेता को मैं नेताजी बोलूँगा उनको, डीएम साहब बोलते हैं कोई लीडर आता है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, या आप कोई अननोन आदमी बन करके कोई अननोन आदमी उसको ले जाते तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप ले जाएंगे, मेरे संज्ञान में लेंगे, आप रिटर्न में लेंगे, फिर मैं आपकी जांच करवाऊंगा, मेरी जांच करवाऊंगा, देन उसके बाद आप उसको ले जा सकते नहीं ले जा सकते तब राइट। बहुत अच्छी बात है, डीएम ने भी अच्छा कहा, इस बात का मैंने स्वागत किया कि कोई भी बंदा ले जाकर उस महिला को उठा के दूसरी जगह ले जाएगा, फिर मार्च हो जाएगा, अगली जगह ले जाएगा। मैंने कहा ठीक है। मैंने 21 मार्च को ये सब आप लोगों को मैं दूंगा, सारा मंच बनाएगा। 21 मार्च को मेल से भी और वैसे भी लेटर डीएम को भेज दिया। डीएम ने वो लेटर एसडीएम कर्णत्याग को, गोस्वामी जी वहाँ पे एसडीएम, उनको फॉरवर्ड किया। मैं बराबर क्रॉस चेक करता रहा कि पहुँचा नहीं पहुँचा, सारा ऑडियो रिकॉर्ड है। एसडीएम से बात होती 10-15 दिन पहले, उन्होंने कहा हाँ वो मेरे पास मिल गया है, जाँच पूरी हो चुकी है, आपकी बात सही है, महिला वहाँ पे है, ऐसा ऐसा है। तो मैंने कहा अब आपने क्या सोचा कि सर हम इसको यहाँ से डीएम चमोली को कल मैं सुबह यहाँ से भेज दूंगा। ये लगभग 10-15 दिन पहले की बात है, 15 दिन करीब पहले की बात है, एसडीएम की मैं बात करता हूँ, यानी जांच 15 दिन पहले हो गई। फिर एक दिन, दो दिन, तीन दिन, कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं। फिर मैंने डीएम को फोन किया, मैं कहा आपको भेजा था, उसका क्या हुआ? अरे आपको मैंने कहा ना आप एसडीएम से बात कीजिए, आप एसडीएम से बात कीजिए, ऐसा कम से कम उसने 8-9 बार यही लहजा। मैंने कहा सर आप कीजिए, मैं क्यों बात करूँगा, आप एसडीएम से बात कीजिए। मैंने कहा आप कर दीजिए, मैं यहाँ से कहा आप कीजिए, मैंने कहा आप कीजिए, मैंने कहा आप कीजिए, ये डीएम बोल रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, मैंने फोन वो भी रिकॉर्ड हो गया। फिर मैंने उनको एक और लेटर भेजा, मैंने कहा अगर आपने इस कार्रवाई को नहीं मुझे बताया कि जांच में क्या आया, या मुझे उसको लाने की स्वीकृति अगर आपने नहीं, या कोई सहयोग नहीं किया, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आपके शिकायत करूंगा और इसके लिए जिम्मेदारी आपकी होगी। ये भी एक लेटर इसमें लगा हुआ, वो आप पढ़ लीजिए। कोई रिप्लाई नहीं, उसके बाद भी कोई रिप्लाई नहीं किया।